हेलो दोस्तों, मैं सचिन मंगरिया और मैं अमित बोस। आज हम लाए हैं फुल स्टैक डेवलपर। छात्र आते हैं हमारे पास, सर हमें ट्रेनिंग कोर्स करना है। कुछ छात्र रुक जाते हैं और अपने जीवन को संवार लेते हैं ट्रेनिंग कोर्स करके, जॉब तक पहुंच जाते हैं। और कुछ छात्र जो छात्र सोचते रहते हैं, बाद में वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनके कुछ पॉइंट लेके आए हैं कि छात्रों के लिए फुल स्टैक डेवलपर ट्रेनिंग, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्यों ज़रूरी है। तो वर्तमान समय में जैसे देखा जा रहा है कि आईटी कंपनीज से सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, जो मीडियम शहर है और जो आपके छोटे शहर जिनको हम कहते हैं, उनमें आईटी कंपनीज बहुत तेज बढ़ रही है। इस कारण से अगर लोकल रोज़गार अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी सिटी में रोज़गार चाहते हैं, तो इसके लिए आईटी कंपनीज आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि आईटी कंपनीज आपके शहर में अच्छा सैलरी आपको दे रही है और अच्छा फ्यूचर भी आपको ऑफर कर रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि समय की मांग, आज के जो समय है, वर्तमान समय आईटी की बूम है। अगर आप आईटी का छोटा सा भी एक सर्टिफिकेट कर लेते हैं, मतलब मान के चलिए इंजीनियरिंग नहीं करते, बीसीए नहीं करते, ग्रेजुएशन के बाद एक छोटा सा सर्टिफिकेट 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, तो आप आईटी कंपनियों में आराम से जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सर्टिफिकेशन सबसे कम समय का सर्टिफिकेशन मांगता ये सेक्टर। 6 महीने का अगर आप कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन आप करते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में, तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी कंपनी में जाने के योग्य बन जाते हैं। चौथा है, हर दिन आईटी कंपनियां मतलब जॉब निकाल रही हैं और सैलरी पैकेज भी बहुत लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप अगर आप बीसीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आईटी में जॉब नहीं, बस आप कदम ये करना है किसी भी संस्थान से एक ट्रेनिंग कोर्स करके आईटी कंपनी में अपना कदम बढ़ा लें। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक ऐसा ट्रेनर जिसको आईटी का अच्छा नॉलेज है, जिसको फुल स्टैक प्रोग्रामिंग करनी आती है और आज के कंपनी की नीड्स के हिसाब से जो आपको तैयार कर सके। अगर ऐसा कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाए, तो ये एरिया आपको सबसे ज़्यादा जॉब ऑफर कर सकता है, सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा दे सकता है। इसके बाद हम छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि छात्र अपने इस जीवन में, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद, क्या गलती करते हैं कि वो आईटी कंपनी में कई लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में बताऊंगा, छात्र कॉलेज की डिग्री कर तो लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग कहीं से नहीं करते हैं, इस कारण से तो जॉब नहीं मिलती है। वो ये सोचते हैं कि हमने कॉलेज की डिग्री कर ली और हमें जॉब मिल जाएगी, तो ये अपने आप को धोखा देना है। इसी चक्कर में कई बार छात्र अपना करियर बदल लेते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो भी आप कॉलेज में एजुकेशन लेते हैं, उस पर्टिकुलर एजुकेशन को प्रोफेशनल लाइफ में उतार भी नहीं पा रहे हैं। आप जो भी कॉलेज में सीखते हैं, एक तो आप फुल स्टैक सीख नहीं रहे, पूरा आप सीख नहीं रहे। दूसरा है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिकली इतना पावरफुल नहीं कर पाते कि आप किसी कंपनी में जाके रोजगार हासिल कर सकें। तो एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देखी जा रही है। तीसरा पॉइंट है कि आज एजुकेशन के साथ आपको स्किल होना ज़रूरी है। अगर आज किसी के पास कोई सी भी स्किल है, तो वो आज रोजगार के तक पहुँच सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ अगर आप स्किल लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं उस चीज़ की जो काम करना है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि छात्र अपने फैसले को ले नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखी जा रही है कि उनको प्रोग्रामिंग में 3 से 4 साल देने के बाद भी छात्र ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना करियर बनाऊँ या किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुझे एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो ये बहुत डाउटिंग सिचुएशन है जो इस समय केवल ट्रेनिंग से ही आप हल कर सकते हैं। देखा गया है छात्र आज मार्केटिंग के जॉब में जा रहे हैं, है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद भी आज मार्केटिंग की जॉब में जा रहे हैं। कारण क्या है कि उन्होंने उस समय एजुकेशन करने के बाद वो डिग्री के से संबंधित कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया, इसलिए उन्हें मार्केटिंग कोर्स में जाना संभव हो गया है। तो अगर आप सही समय पर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, तो आपको यह मार्केटिंग कोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। छठवां पॉइंट ये है कि कॉलेज में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर के डिमांड के अनुसार नहीं है। आप सभी ये जानते हैं कि जो भी सिलेबस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो अधूरा सिलेबस ही आपका रहता है, जबकि आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा सिलेबस में आपसे डिमांड कर रही है। तो एक फुल स्टैक जब तक आप ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तब तक आप किसी भी आईटी कंपनी में एक प्रॉपर प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको फुल स्टैक ट्रेनिंग पहले ही बढ़ती है। सातवां पॉइंट है कि कॉलेजों में प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, जिससे प्रोजेक्ट वर्क भी आसानी से छात्र कहीं ना कहीं से सर कैसे ही बातें इकट्ठा कर लेते हैं और छात्र खुद नहीं बनाते। ज़्यादातर क्या है, कॉलेज वाले कभी इंस्पायर भी नहीं करते कि छात्र प्रोजेक्ट खुद बनाए।
ये प्रोडक्ट्स को परचेस कर लेते हैं, किसी से ले लेते हैं या किसी अपने रिश्तेदार से उठा लिए और उसी को उठा के नाम बदल के दे दिया, इससे आपके टेक्निकल नॉलेज बहुत लॉस हो जाता है। और कॉर्पोरेट कहता है आपके पास कम से कम एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे हम आपको जॉब में कर सकें। तो सर इसी के साथ इसके कारण ये इंटरव्यू में सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने के कारण सबसे बड़ा यही है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका जो ये है। कंपनीज ध्यान रखिएगा, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी सीखे हुए छात्रों को तलाश कर रही है। जितने भी कंपनीज में बच्चों को देखा जा रहा है तो उनमें ये देखा जा रहा है कि उन्हें नया क्या सीखा। जैसे अभी रिएक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, नोड जेएस बहुत ज़्यादा चल रहा है, लारावेल की बात होने लगी है, जैंगो की बात होती है, और ये सारी चीज़ें आपको कभी कॉलेज प्रोफाइल में मिलेंगी नहीं। तो अगर आपको नए सिलेबस पे काम करना है और नई चीज़ों पे अगर आपको हाथ मजबूत करना है तो आपको उसके लिए एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक समस्या और भी है, आप अनुभवहीन स्टाफ के साथ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज कभी ज़्यादा देखी नहीं है, तो ऐसे प्रोफेसर्स ध्यान रखिएगा आपको कभी भी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं बनवा सकते, ना ही आपको एक प्रॉपर जॉब तक पहुंचा सकते हैं। अब हम आपसे बताएंगे कि हमारी संस्था से जुड़ कर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हमारी संस्था से जुड़ कर आप लाइव प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, प्लस आपको कैंपस रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा पॉइंट सर, सेकेंड पॉइंट है, हमारी जो कोर्स है ये आईटी कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी के आज के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाई गई है, और इसमें कुछ सभी टेक्नोलॉजीज को डाली गई है जो आज कंपनी डिमांड करती है। और जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हम सबसे जल्दी सिलेबस को अपडेट करके आपको ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा है कि हर जगह चाहे वो देखा गया है कि थ्योरिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस कारण लोगों को जॉब नहीं मिल जाती है। तो हमारे यहाँ पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा 90%, जिससे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है, बात होती है प्लेसमेंट्स की। हमने पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 50 से ज़्यादा कंपनी से टाई अप किए हुए हैं, और साथ ही साथ जो हमारे आईटी हब्स कहलाते हैं जैसे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इनमें भी लगभग सभी एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ और आईटी कंपनीज के साथ हमारे प्लेसमेंट टाई अप्स है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर आपको जॉब्स के लिए जाना है तो हमारे पास उसके नोट्स रहते हैं, उनके जॉब्स रिक्वायरमेंट रहती है, और हम आपको उनके लाइक बनाकर आपको उन तक पहुंचाते हैं। एक अंतिम पॉइंट जो सर और हम एक डिस्कस करेंगे, हमारे पास कई छात्र आए आईटी का कोर्स करके, बीसीए करके, इंजीनियरिंग करके और सभी प्रकार के आईटी के कोर्स करके वो हमारे पास आए, और लेकिन उन्हें जॉब ना मिलने के चक्कर उन्होंने फील्ड बदल दी, और फील्ड बदलने के साथ पास के बाद वो 5 साल बाद आए, फिर भी हमने उनके सहायता करके उन्हें 1 साल ट्रेनिंग दे के उनको एक जॉब दिलवाई। तो हमारा ये कहना है कि उन्होंने तो गलती की, लेकिन आज वो अपने उस मकसद पर पहुंच गए जिन जिस फील्ड पे उनको जॉब करना थी, लेकिन आज भी वो समय से बहुत पीछे है। तो हमारा ये कहना है सर, आप पीछे मत रहिए। हम लोग इस मन से ये आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइन कभी ना बदलें। अगर आपने एक लाइन चुनी और अगर वो आईटी लाइन चुनी है तो आईटी लाइन आज सबसे ज़्यादा जॉब देने के लिए आज आपको तैयार करती है, लेकिन गाइडलाइन नहीं होने के कारण और कुछ एनवायरमेंट हमारे शहर में, क्योंकि बच्चों को मिल नहीं रहा, इस चक्कर में मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आईटी को छोड़कर कुछ और लाइन में चले जाते हैं, या तो कि मार्केटिंग भी कर रहे, सेल्स भी कर रहे। तो आप लाइन चेंज ना करें, आप लाइन उसी लाइन में रहिए और आगे बढ़े। मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस हमसे जरूर मिलेगा। साथ में यही कहना चाहता हूँ कि जो गलती वो छात्र ने की, जो मैंने अंतिम पॉइंट में बताई, वो आप गलती ना करें। आप अपना इंजीनियरिंग चलते हुए, बीसीए चलते हुए, कॉलेज की डिग्री चलते हुए आप अपना कोर्स ज्वाइन कर लें, या डिग्री होने के बाद गैप ना करते हुए कोर्स ज्वाइन करके, सर्टिफिकेट कोर्स करके, ट्रेनिंग करके आप अपने मुकाम तक पहुंचिए, यही हम कहना चाहते हैं। तो अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आईटी सेक्टर एक ग्रूमिंग सेक्टर है, और ग्रूमिंग सेक्टर होने के साथ साथ इसने कई ऐसे विद्यार्थियों के लाइफ को इतना अच्छा सेट किया है कि आने वाले कई वर्षों तक उनकी पीढ़ियाँ इस सेट लाइफ के साथ जी सकती है। तो अगर आपको अपने ज़िंदगी में कुछ बड़े लेवल पर पहुंचना है, कुछ अच्छे पैकेजेस चाहिए, और आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप आईटी सेक्टर्स में आप ज़रूर आए, ट्रेनिंग्स लीजिए, फुल स्टैक डेवलपर ट्रेनिंग लीजिए, और आप अपने मंजिल को पहुंचे, जिसके लिए विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एकता चौक, विजयनगर, जबलपुर लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत है। अंतिम मेरा ये कहना है कि आप हम नहीं कह रहे कि सिर्फ फुल स्टैक कोर्स के लिए, ये सभी चीज़ों में लागू है। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिकल
नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप किताब पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते, आप मूर्ति बनाना पर किताब पढ़ के मूर्ति नहीं बना सकते। जब तक आप उस फील्ड में गलतियाँ नहीं करोगे, जब तक आप उस फील्ड में जाओगे नहीं, पानी में तैरोगे नहीं, डूबोगे नहीं, मूर्ति चार बार टूटेगी नहीं, तब तक मूर्ति नहीं बनेगी। इसी प्रकार अगर आप जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते, तब तक आपको किसी प्रकार का जॉब मिलना असंभव है। तो आज के इस वीडियो से उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ये पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स को जरूर आप देखें। अधिक जानकारी के लिए विजयनगर एकता चौक आपके राशन के पास आप संपर्क कर सकते हैं, करियर मार्गदर्शन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद।